वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने 186 वोट हासिल किया। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई। तख्त पंजाब तहरीक इंसाफ के नाम उस्मान बुज़दार वजीर आला मुंतखिब। नून लीग के हमजा शहबाज को शिकस्त, 169 वोट मिल सके। अहमद ओलक और जुगनू मौसी ने कप्तान के खिलाड़ी को वोट दिया। नतीजे का ऐलान होते ही नून लीग अरकान की हंगामा आ रही। पुलिस निजाम बेहतर, करप्शन और स्टेटस को का खात्मा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तरजीहात बता दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं इमरान खान के विजन के मुताबिक चलेंगे, हर मेंबर हल्के का वज़ीर आला होगा, अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। उस्मान बुज़दार की कामयाबी पर डेरा गाजी खान में जश्न। पंजाब असम्बली में जगह कम, अरकान खड़े रहे। नई इमारत शुरू कराई, 10 साल तक ना बन सकी, अब गुजारा करे। स्पीकर परवेज इलाही का साबिक हुकूमत पर तंज। तौहीन रिसालत और तौहीन नमेज खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ट्राइब के हेड है, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जमहूरी अमल को रोकना ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज इंतखाब लड़े, दिलेरी के साथ लड़े, 10 साल इन्होंने ऐसी तैसी फेर कर रखती है हुकूमत करते वक्त, तो अब फेस करें ना चीज़ों को। नून लीग ने 10 साल में सूबे की ऐसी तैसी कर दी। काली पट्टियां क्या काले कपड़े पहने। स्पीकर सिपाही असम्बली परवेज इलाही ने कहा जमहूरी अमल रोकना जमहूरियत की खिदमत नहीं, उस्मान बुज़दार पर कोई केस नहीं। जबकि अलीम खान कहते हैं कप्तान का साथ वजारत के लिए नहीं मुल्क के लिए दिया। दिल से हलफ उठाता हूँ, सबके दिल से हलफ उठाता हूँ, बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अमेरिका, जर्मनी, यूएई और ईरान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा अमन के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करना चाहते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूएन जनरल असम्बली इजलास में मुलाकात के मुंतजिर। कप्तान ने अपनी फील्डिंग सजा ली। शाह महमूद वजीर खारजा, परवेज खटक दिफा और खजाना असद उमर के सुपुर्द। शेख रशीद के सुपुर्द वजारत रेलवे फवाद चौधरी इतलात का कलमदान संभालेंगे। खुसरो बख्तियार को वजारत आबपाशी देने का फैसला। वजारत दाखिला समेत 6 वजारतें इमरान खान अपने पास रखेंगे। इत्तेहादियों में से MQM को 2, BAP और GDO को 1-1 वजारत मिली। मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडिशनल IG, DIG और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह इन एक्शन, पुलिस का अहम इजलास बुला लिया। क्राइम बढ़ने पर तशवीश, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग ली। PIA क्रू बाज ना आया, मोबाइल फोन की मुबैना स्मगलिंग। हीथ्रो एयरपोर्ट पर क्रू शहबाज उरमान से फोन जब्त कर लिया गया। एयरपोर्ट थकाम ने वार्निंग देते हुए छोड़ दिया। शहबाज कल PIA की प्रवास से कराची पहुंचेंगे। لا شريك لك.
नास्के हज की अदायगी का मरहला शुरू। आज़मीन हज के काफिलों का मीना आमद का सिलसिला जारी। बहावर नगर के इलाके डहरावाला में पुलिस कांस्टेबल तैयब की आला कारकर्दगी का मुजाहिरा। डहरावाला बाजार में शॉपिंग के लिए आने वाला 5 साल मासूम बच्चा अचानक नहर में गिर गया। बच्चे को डूबता देखकर वहां पर ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल मोहम्मद तैयब ने बावर्दी नहर में छलांग लगाकर डूबते हुए बच्चे को बचाया, जिस पर वहां मौजूद अवाम ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। बाद में बच्चे के वालिद ने बच्चे के हमराह थाने आकर कांस्टेबल मोहम्मद तैयब को फूलों की माला पहनाई और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बहावल नगर पुलिस सही मायनों में हमारी जानो माल की हिफाजत कर रही है। अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मियारी अशिया खुद नोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का पिंडी गेब में चिकन की निकली दुकानों पर छापा। अटक से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर सुहेल अहमद तफसील से आगाह करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से अटक पिंडी गेप और गिरदोनवा में गैर मियारी खाने और गैर मियारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस जमन में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने पिंडी गेप की मुख्तलिफ चिकन की दुकानों पर छापे मारकर गैर मियारी गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए इन दुकानों को सील कर दिया और इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया। जबकि कुछ दुकानदार पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की आने की इतला पर दुकानें बंद करके भाग गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का कहना है कि नाकिस और गैर मियारी अशिया बेचने वालों और शहरियों की जिंदगी से खेलने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। टीम की जानिब से मुतअद्दिद बीमार मुर्गियों को तलब किया गया। वाज़ह है कि पिंडी गेप में गैर मियारी गोश्त से बना शोरमा खाने से 8 बच्चों की हालत गैर हो गई थी, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने फौरी एक्शन लेते हुए गैर मियारी और मोज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अवामी हलकों ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें खराज तहसीन पेश की। डॉक्टर सुहेल अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, टुडे न्यूज, अटक। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में अफसोसनाक वाकया। मक्का मुकरमा में हाजियों की रिहाइश के लिए मुख्तिस होटल की इमारत तबाह। होटल की इमारत अचानक मुनहदम हो गई। कई हाजी शहीद, बहुत से जख्मी। मक्का पुलिस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। चिनियोट में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। दोहरे कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब इश्तहारी मुलजिम अस्कर गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद, सब इंस्पेक्टर जफरुल्ला और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान ने इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया। इश्तहारी मुलजिम ने दीगर साथियों की हमरा 8 साल कबल 2 अफराद को कत्ल किया था। DPO इबादत निसार की तरफ से पुलिस टीम के लिए इनाम का ऐलान। अटक में कम उम्र लड़कों की गुमशुदगी की वारदातों में इजाफा। तहसील हजरू के बाद अटक में भी 2 दिन में 2 बच्चे घर से निकलने के बाद पुरस्रार तौर पर गायब हो गए। बच्चों की गुमशुदगी पर वालदेन शदीद परेशानी से दो चार। बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात अटक पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गए। दरिया खार में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की जानिब से हालैंड में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ एहतजाजी रैली। आलमी सतह पर इस मसले को उठाया जाए और इन गुस्ताखाना खाकों के मुकाबलों को रुकवाया जाए। रैली के शुरका का हुकूमत से मुतालबा। रैली के हवाले से SHO सिटी खुरम शहजाद गुंदल की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ईद उल अजहा अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। शहर शहर लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। कराची से खसूसी ट्रेन 980 मुसाफिर लेकर पिशावर रवाना।
दरिया खान में न्यू सिटी प्रेस क्लब ने SHO सिटी खुरम शहजाद गोंदल और दीगर अमले का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश किया। नए ख्वाहिशात का इजहार और जराइम के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कश्मोर के इलाके कंदकोट में मरीज परेशान, बकरों की मौजा। कंदकोट सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस कुर्बानी के जानवरों में इस्तेमाल होने लगी।